फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो डील करता है अपील और रिवीजन से, और चैप्टर नंबर 13 जो कंसिस्ट है सेक्शन 161 से लेकर 167 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 161। तो सेक्शन 161 डील करता है अपील से। तो सिंपली मैं आपको पहले अपील का कॉन्सेप्ट दूं। अपील सिंपली मीन्स के एक ओरिजिनल आपका केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट एक डिसीशन देती है, जिससे जिसके अगेंस्ट में जजमेंट होती है, डिसीशन होती है, वो होती है अफेक्टेड पार्टी। उसके उसके साथ अनजस्टिस होती है, उसके साथ उसके राइट्स को वायोलेट किया जाता है। तो इफ़ेक्टेड पार्टी, जो मुतासिरा पार्टी या मुतासिरा जो शख्स होगा, वो ही हमेशा अपील करेगा हायर कोर्ट में, जिस कोर्ट में केस चल रहा है उसके हायर कोर्ट में जाकर वो अपील फाइल करेगा। तो इधर हम सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि सिंध लैंड रेवेन्यू के पर अगर कोई इशू है तो वो अपील कैसे की जाएगी। तो क्लास नंबर 1 में ये बात कर रहा है कि अगर ओरिजिनल केस में अगर किसी भी पार्टी को इफ़ेक्टेड होता है, मुतासिर होते हैं, तो वो अपील कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास करेंगे। तो उसके नीचे कुछ नाम दिए गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर के पास आपका केस चल रहा है तो आप अपील कौन से ऑफिसर की तरफ जाकर करेंगे। तो क्लास नंबर 1 के एम में ये डिस्कस कर रहा है कि अगर आपका केस असिस्टेंट कलेक्टर सेकेंड ग्रेड के पास चल रहा है, ठीक है, तो आप अपील क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रेड का जो असिस्टेंट कलेक्टर होगा उसके पास आप जाकर अपील करेंगे कि ये मेरी दरख्वास्त सुने, ये जजमेंट सही नहीं आई है, मैं जो है ना इस जजमेंट से अफेक्टेड हुआ हूँ। तो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड जो है उस केस को चलाएगा, उसकी अपील को सुनेगा। नंबर बी में ये डिफाइन कर रहा है कि अगर कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड का कलेक्टर के जो जजमेंट देता है उससे भी आप अफेक्टेड होते हैं, उससे भी मुतासिर होते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के बाद आप जो कलेक्टर है उसके पास जाकर अपील करेंगे, ठीक है। और आपका केस अगर कलेक्टर के पास चल रहा है तो कलेक्टर से भी आप मुतासिर होते हैं, तो आप क्या करेंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे अपील में। अब कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर को एप्लीकेशन देंगे कि हमारी अपील है, आप सुने। तो अगर कमिश्नर अगर कोई ऑर्डर पास करता है, अगर कमिश्नर के पास आपका कोई केस चल रहा है तो कमिश्नर अपने हिसाब से जो भी जजमेंट देता है, तो कमिश्नर की जजमेंट को हम अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करेंगे। बट अपील के लिए हमेशा ये आपको जहन में होना चाहिए कि अपील हमेशा पॉइंट ऑफ लॉ, फैक्ट ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही होगी। और फर्दर इस सेक्शन में ये प्रोवाइड कर रहा है कि जो जब ओरिजिनल ऑर्डर जो आपका कंफर्म हो जाए फर्स्ट अपील में, तो फर्दर अपील नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, एक आपका ओरिजिनल केस कमिश्नर के पास चल रहा है, ठीक है, कमिश्नर के पास आप चल रहा है, आप कमिश्नर के बाद जो अपील करेंगे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करेंगे, तो आपने फर्स्ट अपील ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में की, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आपके केस को कंफर्म कर दिया कि ये जो केस चला था इसकी जो भी प्रोसीडिंग थी वो सही है, उसको कंफर्म कर दिया, तो फर्दर आप अपील नहीं कर सकते। या आप ऐसे कहें कि कलेक्टर के पास आपका केस चल रहा है तो आपने फर्स्ट अपील जो है कमिश्नर के पास की, तो कमिश्नर ने फर्स्ट ही अपील में कंफर्म कर दिया कि जो भी प्रोसेस है, प्रोसीजर चला है वो सही है, तो आप फर्दर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाकर अपील नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 2 में ये डिफाइन कर रहा है कि जब कभी कलेक्टर कोई भी ऑर्डर या कोई भी जजमेंट को मॉडिफाई करे या रिवर्स्ड करे, तो उसके बाद जो कमिश्नर जो है वो उसके बाद आप जाकर कमिश्नर के पास अपील करेंगे, और कमिश्नर जो भी ऑर्डर करेगा वो फुल एंड फाइनल होगा, क्योंकि कलेक्टर ने उसको दोबारा मॉडिफाई भी कर दिया, रिवर्स भी कर दिया, उसके बाद गया है कमिश्नर के पास वो ऑर्डर, तो कमिश्नर उस ऑर्डर को फुल एंड फाइनल करेगा कि आप फर्दर जो है इसके ऊपर अपील नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, तो एक्सप्लेनेशन 3 है जिसमें से एक को ओमिटेड किया गया है, ठीक है।
तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर टू की तरफ। एक्सप्लेनेशन नंबर टू ये डिफाइन कर रही है कि अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है, पास होने के बाद आप अपील में जाते हैं, बट अपील में वो ऑर्डर ना ही कंफर्म हुआ है, ना ही उस ऑर्डर को मॉडिफाई या रेक्टिफाई किया गया है, ना ही रिवर्स्ड किया गया है, तो उसमें क्या होगा कि रीज़नेबली जो इफ़ेक्टेड पार्टीज़ हैं, जो मुतासिरा पार्टीज़ हैं, उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा कि आप इस केस में अपीयर हों और जो हेयरिंग होगी उसमें आप सपोर्ट करें, जो आपकी अपील जो आपने फ़ाइल की है वो आप आएँ, उसकी हेयरिंग होगी, उसमें आप अपीयर हुए, जो भी इफ़ेक्टेड पार्टीज़ होगी, जो भी मुतासिरा पार्टीज़ होगी उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके पास, मीन्स के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर हैं कि उस जो केस आप अपील में कर रहे हैं, जो लोअर अथॉरिटी ने का केस आपका डिस्कस किया, जजमेंट दी, तो आप अपील में जब वो केस लेके जा रहे हैं तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर हैं कि उस केस के ऊपर रिमांड, उस केस के में अमेंडमेंट, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, बट रेवेन्यू ऑफिसर क्या है वो, उसके पास ये पावर नहीं है रिमांड के, ना ही पावर हैं कि उस केस में अमेंडमेंट कर सके। तो बेसिकली ये था सेक्शन 161। अब आते हैं सेक्शन 162 की तरफ। 162 डिफाइन करता है लिमिटेशन फॉर अपील, मीन्स के अपील के लिए लिमिटेशन क्या है। एक जजमेंट आ गई, जजमेंट आने के बाद जो मुतासिरा शख्स से अगर वो अपील करना चाहती है तो वो जजमेंट आने के बाद कितने अरसे के अंदर अंदर अपील कर सकती है। तो सेक्शन 161 के तहत हम क्या है अपील करते हैं, तो सेक्शन 162 हमें लिमिटेशन बता रहा है अपील की कि जिस दिन आपका ऑर्डर पास हुआ उसके बाद आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे तीन स्टेटमेंट दी गई हैं कि अगर आपका केस जो है कलेक्टर के पास आप अपील कर रहे हैं, मीन्स कि आपका किसी असिस्टेंट कलेक्टर के पास आपका केस चल रहा है तो उसने जजमेंट दी, तो आप कलेक्टर के पास अगर अपील करना चाहते हैं तो उस जजमेंट के आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप कलेक्टर के पास जाकर अपील कर सकते हैं। नंबर टू, अगर आपका पे केस कलेक्टर के पास चल रहा है, कलेक्टर जिस दिन क्या है जजमेंट देगा, जजमेंट देने के बाद आप 19 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर के पास जाकर 60 दिन के अंदर अंदर आप कमिश्नर के पास जाकर अपील कर सकते हैं। अगर कलेक्टर के जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं, कमिश्नर के पास जाकर करेंगे और वो ऑर्डर जब पास होगा, जिस दिन पास होगा उसके 16 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। नंबर थ्री ये है कि कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कमिश्नर कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट पास करता है उसके अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं तो वो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाकर करेंगे, और कमिश्नर के पास अगर आपका कोई अपील्ड का ऑर्डर आया तो आप 19 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं तो वो 19 दिन के अंदर अंदर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाकर अपील फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थी लिमिटेशन ऑफ अपील, और सेक्शन 163 को ओमिटेड किया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 164 की तरफ, रिवीजन। तो सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिवीजन का कॉन्सेप्ट दे दूं कि रिवीजन क्यों की जाती है और रिवीजन है क्या। तो सिंपली सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस्टेब्लिश किया गया था। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सब ऑर्डिनेट में कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, कमिश्नर, ये क्या है रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत हैं, सब ऑर्डिनेट हैं। अगर रेवेन्यू ऑफिसर्स कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देते हैं या कोई ऐसी प्रोसीडिंग चलाते हैं या ड्यूरिंग हेयरिंग कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर देते हैं जिसका उन रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास अख्तियार नहीं होता,
उन रेवेन्यू ऑफिसर के पास उस चीज़ का जो पावर है वो नहीं होता, या रेवेन्यू ऑफिसर से कुछ ऐसी गलती हो गई जिससे मुकदमे के ऊपर, प्रोसीडिंग के ऊपर, हेयरिंग के ऊपर क्या है असर पड़ा, इफेक्ट पड़ा, जिससे जो अनजस्टिस हो गया। तो अगर इस तरह की गलती अगर जुडिशल ऑफिसर से या रेवेन्यू ऑफिसर से हो जाती है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए रिवीजन को जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो सेक्शन 164 के तहत रिवीजन को डिफाइन करता है। तो अब सेक्शन की तरफ आते हैं कि सेक्शन में क्या डिफाइन कर रहा है। सिंपली क्लास नंबर 1 में ये डिफाइन कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सबॉर्डिनेट जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स या जुडिशल ऑफिसर्स हैं, अगर वो जाब्ते के खिलाफ जाते हैं या कोई ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जिसकी उनको पास जुरिडिक्शन है ही नहीं, उनके पास पावर है ही नहीं, तो जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पता चलेगा तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद किसी भी वक्त सो मोटो नोटिस निकाल कर वो जो रिकॉर्ड हैं केस के जो पेंडिंग में हैं उसके तलब कर सकती है, या जो एग्रीव्ड पार्टी है या मुतासिरा पार्टी है वो ऑर्डर आने के 13 दिन के अंदर अंदर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्लास नंबर 2 में ये डिफाइन कर रहा है कि कमिश्नर और कलेक्टर, इनके सबॉर्डिनेट जो भी ऑफिसर्स हैं, अगर वो किसी जाब्ते के अगेंस्ट जाते हैं या कोई ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जो उनकी जुरिसडिक्शन में है ही नहीं, तो कमिश्नर या कलेक्टर किसी भी वक्त उनसे वो रिकॉर्ड या वो ऑर्डर तलब कर सकते हैं, या कोई शख्स जो एग्रीव्ड पार्टी है वो 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर या कलेक्टर के पास एप्लीकेशन जमा करवाएगा रिवीजन के लिए, उस केस की रिवीजन होगी। नंबर 3 में ये बात कर रहा है कि इन केस कलेक्टर के पास जो कलेक्टर कोई भी रिकॉर्ड तलब करता है, तो उस रिकॉर्ड को तलब करने के बाद कलेक्टर देखता है कि इस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो कलेक्टर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो ऑर्डर या जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर को भेजेगा, और कमिश्नर को कहेगा कि इसमें रेटिफिकेशन, मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप वो कर दें। नंबर 4 में ये डिफाइन कर रहा है कि जो ऑर्डर पास हुआ है, अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देख रहा है कि मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर मुनासिब समझे तो वो किसी भी वक्त उसको तलब कर सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी केस को तलब कर सकता है सेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 के तहत, और कमिश्नर जो है सबसेक्शन 2 के तहत और सबसेक्शन 3 के तहत जो रिपोर्ट बनाई है वो भी तलब कर सकता है। फर्दर ये प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसा कोई ऑर्डर इस सेक्शन के तहत पास नहीं होगा जिसमें पार्टी को इफेक्ट हो, या ये हो कि आप किसी भी पार्टी को सुने बगैर जजमेंट नहीं दे सकते, ना ही आप पार्टी को सुने बगैर प्रोसीडिंग को रिवाइजिंग कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी रेवेन्यू सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे जिससे पार्टी को इफेक्ट हो। फर्दर ये प्रोवाइड करता है कि इस सेक्शन के तहत पार्टी की एप्लीकेशन के बुनियाद पर कोई भी ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर की रिवीजन की जाती है। रिवीजन करने के बाद जो भी इफेक्टेड पार्टी है उस ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं कर सकती, कोर्ट में जाकर क्वेश्चन नहीं करेगी कि आपने रिवीजन सही नहीं की है। रिवीजन होने के बाद वो ऑर्डर फुल एंड फाइनल होगा, चाहे उसमें पार्टी को अफेक्टेड हो तब भी वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। और फर्दर ये प्रोवाइड करता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा जो दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके पास पावर नहीं है कि वो अपने सबॉर्डिनेट लोअर कोर्ट्स के केस को रिमांड करें, अमेंड करें, रेटिफिकेशन करें, वो नहीं कर सकते। सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है कि वो अपने सबॉर्डिनेट लोअर अथॉरिटी है उसके केस को रिमांड कर सकती है, रिमांड कर सकती है। तो ये डिफाइन करता है सेक्शन 164। अब सेक्शन 165 की तरफ आते हैं। तो सेक्शन 165 डिफाइन करता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स एंड डिक्री। तो
सेक्शन 165 में दो बातें कर रहा है, एक तो स्टे ऑफ प्रोसीडिंग की, दूसरी एग्जीक्यूशन की। तो जब कभी कलेक्टर, कमिश्नर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास अपील फाइल होती है या रिवीजन फाइल होती है, रिवीजन फाइल होने के बाद जो प्रोसीडिंग चल रही होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी। या ऐसे होता है कि जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील या रिवीजन फाइल की जाती है, बट सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, वो अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे। और अपील के बाद जब एग्जीक्यूशन का आर्डर आ जाता है, तो उस अपील या एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन की वजह से वो एग्जीक्यूशन का आर्डर रुकेगा नहीं, उस एग्जीक्यूशन के आर्डर या डिग्री के ऊपर अमल किया जाएगा। बट यह है कि अगर एपीलिएट अथॉरिटी या रिवीजनल अथॉरिटी के पास अगर कोई सफिशेंट काज है, तो वो एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन के कोई भी आर्डर हो या डिग्री हो, उसको स्टे कर सकते हैं अगर सफिशेंट काज हुआ तो। तो सिंपली सेक्शन 165 का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास, तो उस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में कोई अपील या कोई रिवीजन फाइल होती है, तो उस सूरत में जो प्रोसीडिंग जो है वो स्टे नहीं होगी, वो जो सब कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो स्टे नहीं होगी। और प्लस में यह है कि अगर कोई डिग्री या कोई ऑर्डर पास हो जाता है जिसके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी होती है, तो हम अपील या रिवीजन की वजह से उस एग्जीक्यूशन को रोक नहीं सकते। हाँ, बट अपीलेट अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी के पास कोई सफिशेंट काज है, तो उस सूरत में एग्जीक्यूशन को स्टे करवा सकते हैं, एग्जीक्यूशन के जो ऑर्डर हैं, डिग्री, उसको स्टे करवा सकते हैं। तो ये डिफाइन करता है सेक्शन 165। तो क्लास नंबर टू में ये डिफाइन कर रहा है कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हम नहीं बना सकते सबसेक्शन वन के तहत, जब तक जो रिवीजनल अपीलेट अथॉरिटी उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक। तो नंबर ए में ये बात कर रहा है कि किसी भी पार्टी को अगर सब्सटेंशियल लॉस होता है, तो वो उस सूरत में जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास हुआ है उसको स्टे करवाने के लिए पार्टी अप्लाई कर सकती है। और नंबर बी में ये बात कर रहा है कि जो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वो विदाउट अनरीजनेबल डिले हो, मीन्स के जो लिमिटेशन पीरियड बताया गया है उसके अंदर अंदर आपको वो एप्लीकेशन भी फाइल करनी है। ऐसे नहीं कि आप उस एप्लीकेशन में डिले कर दें, देर कर दें, तो फिर नहीं सुना जाएगा आपकी बात। तो नंबर थ्री में ये बात कर रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो एप्लीकेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए कोई सिक्योरिटी देता है या कोई एफिडेविट देता है कि अगर कोई भी नुकसान हुआ वो मैं जो है भरपा करूँगा, वो नुकसान मेरा ही होगा, तो इस सूरत में भी वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टे करवा सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके ब्याह पे हम अपनी एग्जीक्यूशन को स्टे करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165। अब हम आते हैं सेक्शन 166 की तरफ। तो 166 डिफाइन करता है क्लेरिकल मिस्टेक। तो सिंपली क्लेरिकल मिस्टेक एक छोटी मिस्टेक होती है कि अगर कोई भी डिग्री या कोई भी ऑर्डर या कोई भी जजमेंट रेवेन्यू ऑफिसर पास कर रहा है, तो उस जजमेंट, उस डिग्री में कोई क्लेरिकल या अर्थमेटिकली मिस्टेक हो गई है, मीन्स के ऐसी मिस्टेक जिसकी कोई भी अहमियत इतनी ना हो, तो रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स के कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, कमिश्नर, वो किसी भी वक्त उस मिस्टेक को जो है करेक्ट कर सकता है। अर्थमेटिकली या मैथमेटिकली कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिससे इतनी अहमियत ना हो उस मिस्टेक की, तो उसको वो किसी भी वक्त करेक्ट कर सकता है, बट वो करेगा रेवेन्यू ऑफिसर। तो नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इस सेक्शन के मुताबिक जो ऑफिसर है, ऑफिसर मीन्स कि हर वो सक्सेसर जो ऑफिस में एंटर हो वो ऑफिसर कहलाएगा, मीन्स के रेवेन्यू ऑफिसर्स, एक रिटायर होता है, उसके बाद दूसरा आता है वो सक्सेसर कहलाता है। तो हर वो न्यू सक्सेसर या जो ऑफिस में ऑलरेडी है वो ऑफिसर ही कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 166। तो ये था क्लेरिकल मिस्टेक्स, मीन्स अर्थमेटिकली मिस्टेक अगर कोई डिग्री ऑर्डर में हो जाती है, तो रेवेन्यू ऑफिसर वो किसी भी वक्त उसको ठीक कर सकता है।
अब हम आते हैं सेक्शन 167 कंपटीशन ऑफ पीरियड लिमिटेड अंडर दिस चैप्टर। तो सिंपली ये जो सेक्शन है ये सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि हम कभी भी अपील या रिवीजन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एक तो हम कलेक्टर के पास, दूसरा कमिश्नर के पास, तीसरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन तीनों शख्स के पास अपील भी फाइल करते हैं, इन तीनों शख्स के पास, इन तीनों ऑफिसर्स के पास हम रिवीजन भी फाइल करते हैं। तो इसमें यह है कि जो पीरियड लिमिटेड बताया गया था, जो पीछे हमने सेक्शंस में डिस्कस किया कि अपील के लिए कितना लिमिटेड पीरियड है और रिवीजन के लिए कितना पीरियड मुकर्रर किया गया है, तो अगर हम उस पीरियड के अंदर कोई भी अपील या रिवीजन फाइल नहीं करते तो उसकी वो लिमिटेशन जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 के प्रोविजन के तहत गवर्न की जाएगी। मीन्स के हमें कलेक्टर के पास एक अपील फाइल करनी है तो 30 दिन का हमें टाइम पीरियड बताया गया था, तो 30 दिन के अंदर हम फाइल नहीं करते, टाइम पीरियड एक्सपायर होता है, तो फर्दर उस टाइम पीरियड की लिमिटेशन बढ़ाने के लिए, उसको फर्दर जो है गवर्न करने के लिए वो लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत, तो उसके प्रोविजन के तहत वो लिमिटेशन बढ़ाई जाएगी। तो सिंपल ये डिफाइन करता है सेक्शन 167। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 13 अपील एंड रिवीजन होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।